मॉर्निंग एवरीवन, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं चाय पी रही हूँ, सुबह की पहली चाय है। सुबह के 7 बज चुके हैं, मेरा नहा के हो चुका है, लेकिन अभी पैकिंग बाकी है, फिर निकलेंगे टूवर्ड्स मेरे मायके, क्योंकि मुझे मेरी जो बहन है उसे देखना है और छोटी सी बेबी जो हुई है उसे देखना है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज घर जाने के लिए, मम्मी पापा से, भैया भाभी से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ब्लॉग पर बने रहिए। मैं कर रही हूँ पैकिंग और मैं दिखाना चाह रही थी, ये मैंने बनाया बेबी के लिए, अपने हाथ से बनाया। एक्चुअली उसी के वजह से मैंने ये सीखा क्रोशे, और ये मैंने उसके लिए ब्लैंकेट बनाया है। ये देखिए, अच्छा लगेगा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। ये है ब्लैंकेट, तो बेबी ब्लैंकेट यूज़ करेगी जो उसकी मासी ने उसके लिए बनाया है। चलो, उसके बेबी के वजह से मैं कुछ तो सीख गई। तो ये दो चीज़ें ही बनाई है, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि अभी तो समर टाइम है, लेकिन फिर भी मैं उसे गिफ्ट एज अ गिफ्ट दे दूंगी, और फिर बाद में समर ख़त्म हो जाए ना, तो विंटर में मैं उसके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ आता है क्रोशे का। और ये भी इतना क्यूट बनाया ना, उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, क्यूट है ना। और बाकी मैंने उसके लिए यूके से जो भी चीज़ें लाई है वो भी पैक कर रही हूँ, और मेरे कपड़े, चंदन के कपड़े, कुछ थोड़ा सा सामान, वो सब पैक करती हूँ। यूके से मैंने उसके लिए और भी कपड़े लिए थे, लेकिन मैंने ना बहुत सिंपल कॉटन के कपड़े लिए हैं, तो ये समर में वो अच्छे से यूज़ कर पाएगी। अगर कुछ ज़्यादा हेवी अगर ऐसे कुछ लिया ना, तो बच्चे पहन भी नहीं पाते, तो हल्का सा लाइट वेट और कलर भी ऐसे जो समर टाइम में काफ़ी अच्छे लगेंगे, तो वैसे ही मैंने लिए हैं। और ये कुछ सेट था 4 या 5 ड्रेसेस का, तो ये उसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और बाकी के मैं आपको दिखाती हूँ। ये और भी 3 कलर है, तो 4 का सेट था ये। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, जस्ट चंदन के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। एक ऑमलेट बना रही हूँ और ब्रेड भी थोड़े सेक के रख देती हूँ, वो नहाने गए हैं, आ ही जाएंगे अभी, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। मैं वाटरमेलन खाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अंडा बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा, इतनी ज़्यादा धूप है, गर्मी है ना। एक्चुअली अंडा क्या मतलब, सुबह सुबह ना कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे लगता है कि वाटर इंटेक ही ज़्यादा होना चाहिए, वही बॉडी के लिए बेस्ट है। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि ट्रैवल के दौरान मुझे भूख लगेगी। रेडी है ब्रेकफास्ट, तो ऑल सेट टू गो, पूरी पैकिंग हो चुकी है, चंदन भी शूज़ पहन रहे, मैं रेडी हूँ। अभी जस्ट ओला बुक किया है, जस्ट आता ही होगा एक 5-10 मिनट में, तो मिलते हैं ट्रैवलिंग के दौरान। ओला से हम पहुंच गए थे चांदनी चौक, और वहाँ पे हमने बस टिकट बुक किया था शिवशाही का। तो बहुत साल के बाद हम ट्रैवल कर रहे बस से, तो चंदन को कुछ आइडिया ही नहीं आया। हमेशा मैं नीता का बुक करती थी अकेले अगर जाती थी तो, लेकिन चंदन ने गलती से शिवशाही का बुक कर दिया, और कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि लास्ट 2 साल पहले हमने शिवशाही में ट्रैवल किया था, तो बस की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, ये एसी बस होके भी इतनी वर्स्ट कंडीशन थी, और ऐसे नमूने में तो नमूना ही बोलूँगी इस ड्राइवर को, इतना बदतमीज था, और पूरा टाइम ये ना फ़ोन पे था। इसने जहाँ पे मतलब 3 घंटे में पहुँच जाना चाहिए था, इसने 5 घंटे लगाए। एक तो ये खुद टाइम पे नहीं आए, आधा घंटा बस लेट लाई। चंदन ने टिकट स्वारगेट से निकाला था, लेकिन एंड टाइम पे मैंने बोला कि हम चांदनी चौक से ही पकड़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन इन्होंने हमें बोला कि आपने वहाँ से ही बैठना चाहिए था, आप यहाँ से नहीं बैठ सकते, मैंने किसी और को बिठा दिया, आप देख लो सीट आपको मिल रही है तो, नहीं तो आप अपना देख लो। तो इस ऊपर से हमारा थोड़ा सा किटपिट भी हो गया, फिर बाद में हमने बोला और फिर वो उठ गए जो बैठे थे, तो वो फिर पीछे जाके बैठे। तो इस तरह से मतलब बहुत वर्स्ट ट्रैवल हुआ इस बार हमारा। 2000 years later. घर आते आते हम दोनों को 4 बज गए थे। आने के बाद हम सबसे मिले, और इतना थक गई थी ना कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाया सबसे मिलते वक्त। और फ्रेश होने के बाद फिर हम खाना खाने के लिए बैठे। मुझे और चंदन को ना एकदम टाइम पे भूख लगती है, ऐसे 4-5 बजे हम कभी भी खाना नहीं खाते, और आज नौबत ऐसी आई है कि 4-4:30 बज गए हमको खाना खाने के लिए, मतलब लंच टाइम देखो हमारा क्या हो रहा है, लंच लेट तो डिनर भी लेट होगा। और ये गावठी चिकन मम्मी और भाभी ने बनाया है खाना आज का, तो ग्रेवी भी है, सूखा चिकन भी है, और भाकरी बनाई है ज्वारी की और राइस।
तो मैं अपने लिए और चंदन के लिए सर्व कर रही एक ही थाली में। और चलिए फिर खाना खा लेती हूँ। खाना खाने बैठे हैं यहाँ पे चंदन और मैं, और मेरा भाई हलवा खा रहे जो मैंने लाया। देखो कैसे कुनाल, मैं ये मैं डालूंगी फिर मत बोलना बांगला है, बांगला। कैसे बना है? लेकिन मैंने पल्लवी के लिए लाया है। तो मेरे को गाय को दिया, मैंने थोड़ी दिया तो गाय को पूछ के टेस्ट कर। नहीं नहीं, मैंने सबके लिए लाया है, सबके लिए लाया है। अरे घे बेशरम, तुझा कसला मान आपण। नाही ते असं करतात ना, नको नको, नाही नको नको करतात ना ते असं, नको 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 बोलायचं घ्यायचं। आदिशा तू पण टेस्ट कर, सांग कसं आहे। काजू ने ऑर्डर। और रात को मेरा भाई मेरा फेवरेट फूड लेके आया था, जो कि चिकन लॉलीपॉप, गोल्ड फिंगर, चिकन फ्राइड राइस और चिकन नूडल्स। जहाँ से मुझे पसंद है वो वहीं से लेके आया था। तो चलिए हम सब अभी डिनर कर लेते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना।